हेलो दोस्तों, अनीता आज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में चिकन करी, जिसके लिए हमने लिया है 1 केजी चिकन धोकर फ्रेश कर लिए हैं, 4 बड़ा साइज का प्याज पतला पतला स्लाइस में काट लिए हैं, 2 प्याज, 20-25 कली लहसुन, ये छोटा छोटा साइज का है इसलिए ज़्यादा लिए हैं, अगर बड़ा साइज का है तो आप कम कर लें, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसका हम कद्दूकस करेंगे, 1 चम्मच खड़ा जीरा, 4 लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 छोटी इलायची, और सूखे मसाले में लेंगे 1.5 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और काली मिर्च 2-4 दाना इसमें मिक्स पीसा हुआ है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, 1 चम्मच घी। अब हम बनाना शुरू करते हैं चिकन। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे सरसों तेल, 6-7 चम्मच सरसों तेल लेंगे, बड़ा चम्मच, इसे हम सरसों तेल में ही बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे तेजपत्ता, लाल मिर्च और जीरा, इसे थोड़ा सा भुनने देंगे। जीरा हल्का भुन गया है, अब हम इसमें प्याज डाल लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, गोल्डन नहीं करेंगे, गोल्डन से थोड़ा सा कम भुनेंगे, जिससे चिकन में टेस्ट बहुत अच्छा आता है प्याज का। आँच हम मीडियम रखेंगे, प्याज को हम ढक कर भुनेंगे, प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से इसे ढक देंगे। जब तक प्याज हमारा भुन रहा है तब तक हम प्याज लहसुन और अदरक को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से बनाने से लाइट रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं होता है और बहुत आसानी से भी सब्जी बन जाता है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से जो बच जाता है इसे भी आप काट के फूरन में डाल सकते हैं। इस तरीके से कद्दूकस करके बनाने से मसाला पीसने का झंझट नहीं रह जाता है और आसानी से मसाला तैयार भी हो जाता है, लाइट रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं होता है। इसलिए इस तरीके से आप मटन, चिकन कुछ भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं कद्दूकस करके। इस तरीके से हम सबको कद्दूकस कर लेंगे। प्याज हमारा भून गया है, अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन को 1-2 मिनट भून लेंगे, उसके बाद हम मसाला मिक्स करेंगे। प्याज लहसुन अदरक का हम कद्दूकस कर लिए हैं, अब इसमें हम सभी सूखे मसाले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके मसाला डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे 5-10 मिनट के लिए हम भिगोकर छोड़ देंगे। चिकन को 2-3 मिनट भून लिए हैं, अब हम इसमें मसाला मिक्स कर लेंगे। नमक भी डाल देंगे, 2 चम्मच नमक डाले हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आँच हम मीडियम ही रखेंगे। इसे ढककर भुनेंगे।
बीच बीच में चलाते हुए चिकन को भुनेंगे इस तरीके से, ज़्यादा देर नहीं छोड़ेंगे ढककर, नहीं तो नीचे तला में चिपक जाएगा चिकन। इसे फिर ढक देंगे, ढककर पकाने से मसाला का खुशबू बना रहता है और चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चिकन हम 10-12 मिनट भून लिए हैं, बहुत अच्छा भुन गया है मसाला हमारा, बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। इसी तरीके से हम चिकन को भुनेंगे, इससे चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, मसाला में कोई कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन में। कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल लेंगे, इसे थोड़ा सा डालेंगे, इससे कलर बहुत सुंदर आता है। गरम मसाला जो कूट कर हम रख लिए हैं, इसे भी हम डाल देंगे। लौंग को कूटेंगे नहीं, छोटा छोटा टुकड़ा नहीं करेंगे। अब हम इसे 2-3 मिनट और भून लेंगे और गर्म पानी इसमें डालेंगे। गर्म पानी डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन का। अब इसे हम ढक देंगे। चिकन को हम 2-3 मिनट और भून लिए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे पानी, गर्म पानी डाल रहे हैं। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख लें, कितना रखना है, पतला या गाढ़ा, इसमें हम इतना ही पानी डाल रहे हैं। अब इसे हम 2 मिनट और ढककर पकने देंगे। ऐसे नए नए रेसिपीज के लिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें।